हेलो दोस्तों, सूचना वाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के सेंटर के बारे में, जो ग्रुप सी का जो सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है उसमें आने वाले पोर्टल के बारे में भी, कब से वो वैकेंसी ओपन होगी और ग्रुप डी के लिए पोर्टल जो तैयार हो चुका है उसमें कुछ फेरबदल हुआ है उसके बारे में, और वो पोर्टल कब खुलेगा, अपना जो करेक्शन करवानी है उसका पोर्टल कब ओपन होगा। आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो ग्रुप डी के जो देहात का मतलब है, जो गांवों में जो सेंटर है उनको बंद किया जाएगा, उनको शहरी इलाके में लेके आया जाएगा, क्योंकि बच्चों को गांव में जाने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए एनटीए से रिक्वेस्ट कर रहा है भी जो अपने जो देहाते हैं वो सेंटर ना बनाए, शहर में बनाए ताकि बच्चों को आने जाने की सुविधा प्राप्त हो। और 1 फरवरी से पोर्टल ओपन होगा ग्रुप सी के लिए। क्लेम डिस्क्लेमर है उसके लिए, जिसमें किसको अपने 5 मार्क्स हटवाने हैं, सोशो इकोनॉमिक से किसी को ऐड करवाने हैं, इसके लिए वो पोर्टल 1 फरवरी को खुल जाएगा। ग्रुप डी के लिए भी पोर्टल हुआ तैयार, आयोग ने कराया, कुछ फेर बदल करवाया, उसमें कुछ फेर बदल होगा तो वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। और जो 42,000 पद है उनका भी पोर्टल फरवरी में विज्ञापन, जो उनका भी विज्ञापन है फरवरी में जारी हो जाएगा, ये भी बात आज कही गई है। पुलिस भर्ती के लिए 4 गुना ही बुलाए जाएंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखना, पुलिस भर्ती के लिए 4 गुना। इससे पहले था जो वैकेंसी आई थी उसमें फिजिकल के लिए 7 गुना बच्चे बुलाए जाते थे, इस बार सिर्फ 4 गुना ही बच्चों को बुलाया जाएगा। जो क्लेम डिस्क्लेमर के बाद भर्तियों में को किए गए स्कोर हुआ रिवाइज, उनके पास स्कोर है वो जो भर्तियों के लिए स्कोर है वो रिवाइज हो जाएगा। आपको कुछ बच्चे कह रहे थे भी हमने गलती से मिल गए, या तो हमने कुछ को चाहिए थे कि इनको नहीं चाहिए तो उनको मिल गया, किसी को नहीं मिला इसके लिए। और कुछ बच्चे कह रहे थे भी हमने ग्रुप डी में अभी तक वो पंजीकरण नहीं करवाया है, तो जिन्होंने पंजीकरण अभी तक नहीं करवाया उनके लिए पोर्टल दोबारा ओपन हो जाएगा। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अभी तक कोई भी पोर्टल अपने फॉर्म नहीं भरा तो वो उनके लिए वो है शुरू हो जाएगा, इसमें सब स्पष्ट बोला गया है। ओके थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप सभी हमारे ग्रुप से जुड़ते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपनी ये पीडीएफ डाल दूंगा, इसमें आप टोटल न्यूज़ पढ़ लेना आराम से जो भी आपको पढ़ना हो, और अधिक जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करते रहे। थैंक यू।